हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से नोवेल लिखने की शुरुआत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड में जो नोवेल है इंग्लिश लिटरेचर में, वो 1720s के आसपास जो है वो मानी जाती है कि इसकी शुरुआत होती है 1720s के आसपास। ठीक है, इस एज में, ये एज थी जो जॉनसन की एज है उसी में ये राइटर कंसिडर किया जाता है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इनको फोर व्हील्स बोला है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के चार पहिए। और ये कौन कौन है? सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबिया स्मॉलेट और लॉरेंस स्टर्लिंग। ये काफी सारी नॉवल इन्होंने लिखी है और अलग अलग जॉनरा इन्होंने ही दिया है नॉवल का। तो हेनरी फील्डिंग को एक राइटर है जिन्होंने फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी बोला है। वैसे और भी नॉवल है जिनको फर्स्ट नॉवल कंसिडर किया जाता है, इसी टाइम की वो नॉवल है। 1719 में एक नॉवल लिखी गई थी, डेनियल डिफो ने लिखा है उस नॉवल को, रॉबिन्सन क्रूसो, उसको फर्स्ट नॉवल कंसिडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। और इसके अलावा गुलिवर्स ट्रेवल है जोनाथन स्विफ्ट का, उस नॉवल को भी फर्स्ट नॉवल कंसिडर किया जाता है। 1726 में वो नॉवल लिखी गई थी। और ये जो पैमेला है ये भी एक तरह से फर्स्ट नॉवल ही मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये चार जो व्हील है इंग्लिश लिटरेचर में, किसने बोला है फोर व्हील इनको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन ने बोला है कि ये चार पहिए हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो एक एक करके हम चारों के वर्क्स को आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आएगा सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन जो है उसको बोला जाता है नोन एज जीनियस और वॉल एज ए मैन ऑफ ओरिजिनल, एज ए मैन ऑफ ओरिजिनल बोला जाता है। ही इज वेरी फेमस फॉर राइटिंग लेटर्स, लेटर लिखने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है ये। ही इंट्रोड्यूस द एपिस्टली नॉवल इन इंग्लिश। ठीक है, ये याद रखना, एपिस्टली नॉवल लिखने में जो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, शुरुआत ही इन्होंने की थी एपिस्टली नॉवल लिखने की। तो एपिस्टली नॉवल क्या होती है? एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। जो मेन कैरेक्टर होते हैं कहानी में वो एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिस्टली नॉवल। काफी सारी मूवीज भी बन चुकी हैं इनपे, जैसे कि बॉलीवुड में भी मूवी है, एक जो लवर है वो एक दूसरे को लेटर ही लिख रहे हैं। वो पूरी फिल्म में मिलते नहीं है एक दूसरे से, बट लास्ट में मिलते हैं जाके। ठीक है, इस तरह को के जो फॉर्म होती है उसको हम एपिस्टली बोलते हैं। एपिस्टली नॉवल में लेटर लिखे जाते हैं तो वो एपिस्टली नॉवल होती है। ठीक है, तो अब इनका जो पहला वर्क है पैमेला, वर्चू रिवॉर्डेड, वर्चू रिवॉर्डेड इसका सबटाइटल है। इसमें एक लड़की की स्टोरी है, 15 साल की एक लड़की है जिसका नाम है पैमेला। और वो जो ये मेड सर्वेंट है जिसकी, पैमेला एंड्रयूज नाम है इसका पूरा, ये एम्प्लॉयर है मिस्टर बी के पास। मिस्टर बी की माँ जो है उसकी डेथ हो जाती है, पहले ये उसके पास काम करती थी, अब मिस्टर बी के पास काम करती है। मिस्टर बी जो है वो काफी बार इसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है, ये यहाँ से छोड़ के जाना चाहती है, छोड़ के चली भी जाती है, फिर भी ये उसके साथ साथ चला जाता है। और ये जिसके पास भी जाती है वहीं पे इसको सेड्यूस करवाने की कोशिश करता है, ये खुद जो है वो लड़की वाले कपड़े पहन के वहां पे चला जाता है। तो इस तरह की हरकतें करता है इसमें मिस्टर बी, लेकिन ये उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि ये खुद अपर क्लास से बिलोंग करता है और ये जो लड़की है पैमेला ये लोअर क्लास से बिलोंग करती है। लेकिन लास्ट में इसका माइंड चेंज हो जाता है मिस्टर बी का, ये उसको लेटर लिखता है कि मैं सच में ही तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और एंड में पैमेला की और मिस्टर बी की दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पैमेला इन हर एक्सल्टेड कंडीशन। ज्यादा से डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि चार राइटर इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। ये 1742 में लिखा गया था और उसके बाद, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लैरिसा है 1748 में। इसका सबटाइटल है द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी, इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ प्राइवेट लाइफ एंड द पर्टिकुलर शोविंग द डिस्ट्रेसेस दैट मे अटेंड द मिसकंडक्ट बोथ ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इन रिलेशन टू मैरिज इज एन एपिस्टली नॉवल। ये भी एक एपिस्टली नॉवल है। इस नॉवल में क्लैरिसा जो है उसका मेन कैरेक्टर है, जो टिटुलर कैरेक्टर है क्लैरिसा, इसका रेप हो जाता है। रेप कौन करता है? लवलेस, ये एंटागोनिस्ट कैरेक्टर है, इसमें कहानी का विलन है ये। ठीक है, और इसमें एपिस्टली नॉवल है ये, कहानी में पूरी की पूरी नॉवल में ये एक लेटर लिखती रहती है, मतलब बहुत सारे लेटर लिखती है। क्लैरिसा राइट्स लेटर टू, इसकी एक फ्रेंड है
एना हो, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है पेपर में कि ये पूरी नॉवल में किसको लेटर लिखती है, एना हो को लेटर लिखती रहती है, ये सारे के सारे जितने भी इंसिडेंट इसके साथ होते हैं वो सारे लेटर में शेयर करती है वो अपनी फ्रेंड एना हो के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ल्स ग्रैंडिसन, 1753 में लिखा गया है, द बुक वॉज ए रिस्पॉन्स टू हेनरी फील्डिंग द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन ए फाउंडलिंग। ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन जो है वो हेनरी फील्डिंग की एक नॉवल है टॉम जॉन ए फाउंडलिंग, उसके रिस्पॉन्स में इसको लिखा गया है। द नॉवल फॉलो द स्टोरी ऑफ हैरियट बायरन हु इज परसुएडेड बाय सर हार्ग्रेव पोलेक्सफेन। हैरियट बायरन एक लड़की का नाम है इसमें, और ये परस्यूड की जाती है बाय हैरियट हार्ग्रेव पोलेक्सफेन के द्वारा। आफ्टर सी रिजेक्ट, वो रिजेक्ट कर देती है इसको पोलेक्सफेन को। अब पोलेक्सफेन क्या करता है, इस लड़की को किडनैप कर लेता है, और इसको फिर रेस्क्यू कौन करता है, ये सर चार्ल्स ग्रैंडिसन आता है, ये इसको रेस्क्यू करता है, और चार्ल्स ग्रैंडिसन और हैरियट बायरन की इस लास्ट में इस नॉवल में शादी हो जाती है दोनों की, ये कहानी है इसकी, ठीक है। ये इसके इतने ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से। वॉल्टर स्कॉट कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। देखो मैंने बोला था आपको किसी ने इसको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला है, ये है वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट ने हेनरी फील्डिंग को बोला है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। ही यूज्ड पेन नेम, काफी सारे पेन नेम भी यूज किए हैं, दो तीन पेन नेम है, कैप्टन हरक्यूलस वेनेगर है एक तो, और एच स्क्रिबलर स्कैंडस है। ये दो पेन नेम हेनरी फील्डिंग ने यूज किए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इनके वर्क है जोसेफ एंड्रयूज 1742 में, फुल टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड हिज फ्रेंड अब्राहम एडम्स। ये जोसेफ एंड्रयूज जो है ये एक लड़की से प्यार करता है, रियल में ही उससे प्यार करता है, और बहुत जगह पे जब जहां जहां भी ये जाता है तो काफी सारी वुमेन है जो जोसेफ एंड्रयूज को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। ये जहां भी काम करता है वो जो लैंड लेडी होती है वो भी इसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसको रिजेक्ट कर देता है, फिर इसको काम से निकाल दिया जाता है, ठीक है। लास्ट में उस लड़की से शादी हो जाती है इसकी। ये अब्राहम एडम इसका फ्रेंड काफी हेल्प करता है इसकी, तो ये दोनों कैरेक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, अब्राहम एडम भी और जोसेफ एंड्रयूज भी। इसमें लाइन लिखी गई टाइटल पेज पे, रिटन इन द इमिटेशन ऑफ द मैनर ऑफ सर्वेंटस द ऑथर ऑफ डॉन क्योटे। डॉन क्योटे के ऊपर बेस्ड है ये, इस तरीके से लिखी गई है जिस तरीके से डॉन क्योटे लिखा गया है। और किसको, किसने लिखा है डॉन क्योटे को, सर्वेंटस ने। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट का, मैच मेकिंग में बहुत बार क्वेश्चन आया है डॉन क्योटे किसने लिखा है, सर्वेंटस ने, ये याद रखना। और ये जोसेफ एंड्रयूज जो है ये बेस्ड है डॉन क्योटे पे ही। उसके बाद है टॉम जॉन, फुल टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन ए फाउंडलिंग। ये फाउंडलिंग क्या होता है, फाउंडलिंग का मतलब होता है जो एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स उसको अलग कर देते हैं अपने से, मतलब छोड़ देते हैं उसको, लेकिन फिर वो किसी और को मिल जाता है और कोई और उसको पाल पोस के बड़ा करता है, उसको बोलते हैं फाउंडलिंग, ठीक है। तो इसमें इसी तरह से होता है, ये जो टॉम है इसको इसकी जो माँ है वो छोड़ देती है और कोई और ही इसको पाल के बड़ा करती है। इसमें बेस्ट प्लॉट बोला है एस टी कॉलरेज ने, टॉम जॉन का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ थ्री प्लॉट, एस टी कॉलरेज ने तीन प्लॉट बोले हैं जो बेस्ट प्लॉट है, ठीक है। एक तो ये है टॉम जॉन, दूसरा है एडिपस रेक्स, और तीसरा है बेन जॉनसन का एक द एल्केमिस्ट, ठीक है। ये तीन जो नॉवल है इनके प्लॉट बेस्ट बताए हैं एस टी कॉलरेज ने, तो टॉम जॉन भी उसमें से एक है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ थ्री प्लॉट्स। ये कॉमिक नॉवल है, और बिल्डिंग्स रोमन भी है, और पिकारस नॉवल भी है। पिकारस नॉवल होती है जो कहानी के स्टार्टिंग में जो मेन कैरेक्टर होता है वो अलग अलग जगह पे भटकता है, खुद को रिफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, दूसरी से तीसरी जगह पे, उसको बोलते हैं पिकारस नॉवल। और बिल्डिंग्स रोमन होता है कमिंग एज नॉवल, ये एक जॉनरा है कमिंग एज नॉवल, जिसमें मेन कैरेक्टर की जो चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक की स्टोरी को मेंशन किया जाता है उसको बोलते हैं बिल्डिंग्स रोमन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड है उसको बिल्डिंग्स रोमन बोला जाता है। जो मोस्ट फेमस ऑथर है उनके इस तरह के वर्क हैं काफी सारे, आपको डायरेक्टली मिलेगा नहीं कि इसको बिल्डिंग्स रोमन बोलते हैं, आप स्टोरी में पढ़ सकते हैं, जिस भी स्टोरी में किसी भी कैरेक्टर की चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक की स्टोरी को मेंशन किया जाता है उसको बोलते हैं
कमिंग एज नॉवल या बिल्डिंग्स रोमन, ठीक है। जैसे कि जेम्स जॉयस का है एक वर्क द आर्टिस्ट ऑफ ए यंग मैन, ऐसे करके एक वर्क है, वो भी जेम्स जॉयस का बिल्डिंग्स रोमन है। उसके बाद है नेक्स्ट इनका द वेल्स ओपेरा, इसमें इसने हेनरी फील्डिंग ने ये पेन नेम यूज किया है स्क्रिबलर स्कैंडस, मेन कैरेक्टर इसमें ये है स्क्रिबलर स्कैंडस, ठीक है, ये खुद को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है टॉम थंब, ये एक लो ट्रेजेडी है अबाउट ए कैरेक्टर हु इज स्मॉल इन बोथ साइज एंड स्टेटस, हु इज ग्रांटेड द हैंड ऑफ ए प्रिंसेस इन मैरिज, द इनफ्यूरिएट्स द क्वीन एंड ए मेंबर ऑफ द कोर्ट एंड द प्ले क्रॉनिकल देयर अटेम्प्ट टू रूइन द मैरिज, उनकी जो मैरिज है वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है, ये मैरिज नहीं हो पाती, पहले ही वो खराब कर देते हैं, तो ये याद रखना टॉम थंब, ये कहानी है इसकी। उसके बाद है द ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज, इट इज नोन एज ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज और द लाइफ एंड द डेथ ऑफ टॉम थंब, ये इसी का आगे पार्ट लिखा गया है इसको एक्सपेंड करके, इज ए प्ले बाय हेनरी फील्डिंग, इट इज एन एक्सपेंडेड एंड रीवर्क्ड वर्जन ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट प्ले टॉम थंब, टॉम थंब का ही आगे पार्ट लिखा गया है ये, ठीक है, ये स्टोरी है, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए कैरेक्टर हु इन स्मॉल इन सेम स्टोरी है वो, ठीक है, इसको आगे एक्सपेंड कर दिया गया है, सिर्फ टाइटल ही पढ़ लेना इसका, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको भी। उसके बाद है द लाइफ एंड डेथ ऑफ जोनाथन विल्ड द ग्रेट, ये एक फेमस थीप है उस टाइम का, एक बहुत बड़ा चोर है, उसकी स्टोरी को मेंशन किया है हेनरी फील्डिंग ने, द लाइफ एंड डेथ ऑफ जोनाथन विल्ड द ग्रेट। उसके बाद सेमिला है, सेमिला अल्टरनेट टाइटल है, एंड अपोलॉजी फॉर द लाइफ ऑफ मिसिज सेमिला एंड्रयूज, और उसके बाद है रेप अपॉन रेप, देन द मॉडर्न हस्बैंड, टाइटल सारे इंपॉर्टेंट है, डॉन क्योटे इन इंग्लैंड, ए जर्नी फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द नेक्स्ट, द ऑथर्स फार्स एंड द प्लेजर ऑफ द टाउन, द लॉटरी, एमिलिया, एमिलिया जो है वो लास्ट नॉवल है हेनरी फील्डिंग की, टाइटल आपको सारे याद करने हैं, डिटेल में मत पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड व्हील आता है टोबिया स्मॉलेट, टोबिया स्मॉलेट जो है इसने पिकारस नॉवल को काफी पॉपुलर किया है, इसने बहुत सारी पिकारस नॉवल लिखी है, द एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम, इसमें प्रोटैगनिस्ट है रॉड्रिक रैंडम और टॉम बॉलिंग एक सी मैन है, ठीक है, वो काफी सारी ये रॉड्रिक रैंडम जो है वो शिप वॉयज करता है इसमें। उसके बाद है द एडवेंचर्स ऑफ पिरग्राइन पिकल, इसमें कैरेक्टर है स्पेंडी और एक पाइप, ये स्टायर है ह्यूमन क्रुएलिटी पे, ठीक है, किस पे स्टायर है, ह्यूमन क्रुएलिटी पे। उसके बाद है द एक्सपीडिशन ऑफ हम्फ्री क्लिंकर, ये भी ये एपिस्टली नॉवल है, ये लेटर वर रिटन बाय सिक्स कैरेक्टर, छह कैरेक्टर हैं जो लेटर लिखते हैं इसमें, एक है मैथ्यू ब्रेम्बल, टैबिथा, लिलिया, जर्मी, जेनकिंस और विल्सन, ठीक है, ये छह कैरेक्टर हैं। उसके बाद है फर्डिनेंड काउंट फैदम, सिर्फ टाइटल, कुछ नहीं पढ़ना इसका। उसके बाद है लॉरेंस टर्ने, इन्होंने पेन नेम यूज किया है योरिक, ठीक है, योरिक एक पेन नेम यूज किया है। लॉरेंस टर्ने ने एक बहुत ही फेमस नॉवल लिखी है, इसको प्रीकर्सर माना जाता है मॉडर्न नॉवल का। प्रीकर्सर क्यों माना जाता है, क्योंकि जो आज के टाइम पे जो टेक्निक यूज की जाती है वो लॉरेंस टर्ने ने आज से 150-200 साल पहले यूज की थी अपने वर्क्स को लिखने में, ठीक है, ट्रिस्टम सैंडी में यूज की गई है, जैसे कि जो मॉडर्न नैरेटिव है, नैरेटिव फॉर्म है वो यूज की है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को भी यूज किया है इस नॉवल में लॉरेंस टर्ने ने। इसमें फुल टाइटल है द लाइफ एंड द ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम सैंडी जेंटलमैन, ये इंस्पायर है किससे, डॉन क्योटे से, जो सर्वेंटस का वर्क है अभी जो पहले आया था उससे इंस्पायर है ये डॉन क्योटे से, और ये 9 वॉल्यूम में ये बुक लिखी गई है, और इसको इस नॉवल को जाना जाता है एक्सेंट्रिसिटी के लिए, एक्सेंट्रिसिटी का मतलब है इसके इस नॉवल में जो कैरेक्टर है उनके पागलपन के लिए जाना जाता है, ठीक है, इसमें जैसे इसका बर्थ होता है तो डॉक्टर स्लोप नाम है उसका, डॉक्टर आता है तो वो कैंची से अपनी खुद की उंगली काट लेता है, और जो ये पैदा होता है ट्रिस्टम सैंडी, सैंडी की जो नाक है वो टूट जाती है, इस तरह की काफी सारी हरकतें हैं, जो मेड है वो गिर जाती है नीचे, उसका पैर टूट जाता है, तो ये एक्सेंट्रिसिटी के लिए जाना जाता है ट्रिस्टम सैंडी। ट्रिस्टम सैंडी का बर्थ होता है 3rd वॉल्यूम में, और जब इसको भेजा जाता है, ये जो सुजाना है ये मेड, इसको भेजा जाता है किसके पास, इसका बैप्टाइज करने के लिए, नामकरण करने के लिए, तो ये नाम जब इसका बैप्टाइज करने के लिए, नाम पूछने के लिए जाती है, तो जो भी इसको नाम बताता है ना, वो नाम इसको बताता है ट्रिसमेजिस्टस, एक ग्रीक फिलोसोफर का नाम है, कि इसका नाम ये रख दो,
लेकिन वो नाम भूल जाती है और वो ट्रिस्टम बोलती है आके कि इसका नाम उन्होंने बताया कि ट्रिस्टम रख दो। ट्रिस्टम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोरोफुल। तो इस तरह से इस ट्रिस्टम का जो मेन कैरेक्टर है इसका नाम पड़ता है ट्रिस्टम सैंडी। ठीक है, ये स्टोरी है इसकी। लेकिन ये खुद से लिंक नहीं कर रही है, एक तरह से एब्जर्ड प्ले भी हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह की कहानी है ये। नेक्स्ट इनकी कहानी है, नेक्स्ट नॉवल है ए सेंटिमेंटल जर्नी फ्रॉम फ्रांस टू इटली। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है जर्नल टू एलिजा, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये टाइटल आपको सारे याद करने हैं जितने मैंने आप आज की वीडियो में बताए हैं। तो ये चार राइटर जिनको फोर व्हील बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इनको फोर व्हील बोला है। यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इनको थोड़ा सा पढ़ के जाइए पेपर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।